ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पंद्रह हजार का इनामी बदमाश दीपू को पुलिस ने दबोचा, थाना कागरौल क्षेत्र से पकड़ा गया बदमाश। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की अपने पति की हत्या, बोरे में बंद कर लाश को लगाया था ठिकाने, पत्नी और प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय महापौर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने पर महापौर नवीन जैन का हुआ जोरदार स्वागत, बधाई देने वालों का लगा रहा तांता। सीजीएसटी के नए कमिश्नर ललन कुमार ने किया पदभार ग्रहण, आरसी सांकला को दी गई भावभीनी विदाई। और विश्वविद्यालय में प्रवेश न मिलने पर छात्रों ने दिया धरना, स्थिति नहीं सुधरी तो छात्र कभी भी कर सकते हैं बड़ा आंदोलन। बलकेश्वर मंदिर पर शाम से ही भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। वहीं सावन के दूसरे सोमवार को भक्त सुबह से ही भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए लाइन में लगी हुई नजर आई। सावन यानी कि शिव की महिमा का महीना, यानी कि सावन के महीने में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि रविवार शाम से ही यहाँ पे परिक्रमा लगाने वालों की हुजूम लगा हुआ है, और अभी भी आप देख सकते हैं आज सावन का दूसरा सोमवार है। आप भक्तों की भीड़ देख ही सकते हैं मंदिर में किस प्रकार से यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। आप देख ही सकते हैं किसी के चेहरे पे कोई भी शिकायत नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पे व्यवस्था के लिए पंडित जी लगे हुए हैं यहाँ पे और मंदिर में, और बाकी सब व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि भक्तों को पानी पिलाया जा रहा है साथ में यहाँ पे, और भी लोगों को आप देख सकते हैं कि इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं और किसी के चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं नजर आ रही है। और इस मेले की तैयारी काफी समय से चल रही थी, यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम किया गया है, सुरक्षा गार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी हद तक लगे रहे हैं ताकि कोई भी हंगामा ना हो, इसलिए यहाँ पर पुलिस का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पे महिला गार्ड भी मौजूद है, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था को बनाया जा रहा है। यहाँ पर निकासी के लिए और एंट्री के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं ताकि भक्तों को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। आप देख ही सकते हैं कि ये कल शाम से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं और किसी के चेहरे पे कोई भी शिकायत नजर नहीं आ रही है। और आज सोमवार दूसरा सोमवार है आज सावन का, और भक्त यहाँ पर कोई शिव को जल अर्पित करने आया है तो कोई यहाँ पर उनको तंदूरा अर्पित करने आया है, और सभी लोग यहाँ पर आते ही जा रहे हैं। लगभग यहाँ पे भीड़ लोगों की बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, और जो यहाँ पर भक्त जो अगर थक जाते तो उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है ताकि वो पानी पी सके। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है, मंदिर में एंट्री करने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप फिर भी भक्त यहाँ पर जा रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग रास्ते बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग बनाए गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि भक्तों की कितनी ज्यादा भीड़ है, भक्तों की कितनी भीड़ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि किस हद तक यहाँ पर भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। आते ही जा रहे हैं लोग, आते ही जा रहे हैं लोग, और लोग अभी भी चेहरे पे किसी की कोई शिकायत नहीं नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर भक्त लगे हुए हैं, और आज भी यहाँ पर सुबह सावन का दूसरा सोमवार है, और दूसरा सोमवार का यहाँ पे बलकेश्वर का मेला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसकी तैयारियाँ काफी महीनों से चलती है और काफी महीनों से इसकी तैयारियाँ की जाती है। अपने साथी राजीव के साथ मानसी जैन, सी न्यूज आगरा। सावन के दूसरे सोमवार पर लगने वाले मेले पर बलकेश्वर मंदिर पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, मंदिर के रास्तों पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई।
सावन के दूसरे सोमवार पर हर साल बलकेश्वर पर भक्त परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। साथ ही यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसपी आर ए पूर्वी ने बताया कि कल शाम से ही यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही यहां पर जगह जगह बैरियर भी लगाए गए हैं। वही एसपी आर ए ने बताया कि मेले व मंदिर में बिना वर्दी के पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और क्या कुछ बताया एसपी आर ए ने व्यवस्थाओं के बारे में, आइए जानते हैं। तो वर्तमान देख रहा हूँ मैं कि 6-7-8 हज़ार की भीड़ है और इसमें हमारे पुलिस कप्तान सर महोदय द्वारा उचित पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसमें नीचे से लेकर उच्च अधिकारी सभी लोग नज़र रखे हुए हैं और यहाँ पर इस भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों पर लगाए गए हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले। जैसे यहाँ पर कोई चैन स्नैचिंग वगैरह, कोई छेड़खानी वगैरह, किसी का कोई चोरी वोरी ना हो, इसलिए पुलिस नज़र रखे हुए और किसी प्रकार की कोई भगदड़ वगैरह ना हो, इसलिए पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है और बाकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किस तरह की आपको परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ा? यहाँ फिलहाल तो अभी कोई विशेष परेशानी नहीं, लेकिन भीड़ तो है ही, अभी थोड़ा बहुत रहेगी, इसको धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी 11-12 बजे तक। सी न्यूज के लिए मानसी जैन की रिपोर्ट। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़ पड़ी। जयपुर हाउस के चिंताहरण महादेव मंदिर में भी भक्तजनों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का धम लाभ लिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शहर के शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़ पड़ी। जयपुर हाउस के चिंताहरण महादेव मंदिर में भक्तजनों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर धर्म लाभ लिया। प्रताप नगर निवासी एवं भगवान शिव के भक्त सुशील कपूर ने बताया कि यह मंदिर 400 साल से अधिक पुराना शिवालय है। यहां कोई भक्त सावन के चार सोमवार को भगवान शिवलिंग की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते है। शिवाजी मराठा भी इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, किले लाल किले से इनके लिए फूल जाता है, चिंतारण के मंदिर से इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। और इस वक्त तो इन्हीं भक्तों का सैलाब चिंतारण की तरफ जाता है और हजारों आदमी रोज से दर्शन करते हैं। आज सावन का दूसरा महीना है, इन सब मंदिरों में अच्छी भीड़ भाड़ है और दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चिंतारण का मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है और वहाँ पर मान्यता ऐसा है कि शिव के जो वहाँ का पानी है इतना मीठा है, कभी वो खारा नहीं होगा। ऐसा वहाँ के कुएं का पानी इतना मीठा है, इस क्षेत्र में कहीं भी मतलब आरओ के पानी से भी मीठा पानी है, लोग उसको ले जाते हैं और उसको पीने से उसकी लोगों की चिंताएं दूर हो जाती हैं, इसलिए उस मंदिर का नाम चिंताहरण मंदिर रखा गया था। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को चिंताहरण मंदिर में पूजा करने आई एक महिला भक्त ने बताया कि इस मंदिर की काफी मान्यता है, यह श्रावण मास के हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने यहां आती हैं। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है इसमें, हम डेली दर्शन करने आते हैं यहां पर सुबह। मन को बहुत प्राचीन मंदिर है, जो भी मनोकामना होती है पूरी हो जाती है। ये मंदिर एक विशाल मंदिर है, अकबर के जमाने से यही है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है चार सोमवार प्रति आएगा तो उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है। और शाम को हमारे यहाँ फूल बंगला है, विशाल भंडारा है और 108 कुंड वाली हमारे यहाँ आरती है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को मंदिर परिसर में भगवान शिवलिंग के पास भव्य फूल बंगला सजाया जाएगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। दिगंबर जैन समाज के राष्ट्र अध्यक्ष मुनिश्री 108 बिहर्ष सागर का मंगल चातुर्मास इन दिनों ताजनगरी की धरा पर चल रहा है। चातुर्मास के दौरान मुनिश्री के कमला नगर डी ब्लॉक स्थित संत भवन में मंगल प्रवचन चल रहे हैं। इन प्रवचनों को सुनने के लिए, उन्हें आत्मसात करने के लिए भक्तों की भीड़ भी संत भवन में उमड़ रही है। दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिश्री 108 बिहर सागर जी महाराज मंगल चतुर्मास इन दिनों ताजनगरी की धरा पर चल रहा है। चतुर्मास के दौरान मुनिश्री के कमला नगर डी ब्लॉक स्थित संत भवन में मंगल प्रवचन चल रहे हैं। इन प्रवचनों को सुन उन्हें आत्मसात करने के लिए भक्तों की भीड़ संत भवन में उमड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से मुनिश्री विहर सागर जी महाराज की संत भवन में क्रीम प्रवचन माला क्लास चल रही है। इस क्लास में मुनिश्री प्रतिदिन सुबह श्रावकों को प्रभु भक्ति के साथ जीवन कैसे जिया जाए, इसकी जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दे रहे हैं। परमात्मा भी देने को मजबूर हो जाए, गुरु भी देने को मजबूर हो जाए, उन्हें कैसे दे देगा, कैसे दे देगा भगवान, भगवान तो भगवान है। तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, भीतरागी भगवान ने कहा है। बोले क्या कहा है? मैंने कहा है भीतरागी प्रोटोकॉल बना हुआ है, जब जब भगवान को केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान होने के बाद सिर्फ चार संधि काल होते हैं और चार संधि
काल में ही भगवान की दिदेशना कृति है, इसके बाद पांचीवानी कृति। मगर बड़े अगर कोई पुण्यशाली जीव आ जाता है तो भरत चक्रवर्ती के पहुंचने पर आदिनाथ बार बार बोलते रहे। मंगल चतुर्मास में 7 अगस्त को कमलानगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का निवार उत्सव राष्ट्र संत विहर सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाया जाएगा। मंगल चतुर्मास में 7 अगस्त को कमलानगर शालीमार एनक्लेव स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का निवार उत्सव राष्ट्र संत विहर सागर जी महाराज के सानिध्य में मनाया जाएगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। अभी हाल ही में ताजनगरी में आयोजित भारतीय वित्त सलाहकार समिति की कार्यकारिणी बैठक के दौरान समिति की शहर कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस कार्यकारिणी में शहर के वरिष्ठ सीए एससी जैन को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जो है अंत्योदय स्कीम थी, इसके आधार पर इसको शुरू किया गया है। इसके अंदर सीए सीएस एलएलबी बैंकर्स इनको इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी सबका अलग अलग संगठन है। सीए का अपना संगठन है, कंपनी सेक्रेटरी का अलग संगठन है, CMA का अलग संगठन है, सबका अलग संगठन है। तो ये जो प्रोफेशनल्स की जो बात एक जॉइंट लेवल पर आती है वो नहीं आ पाती है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों का संगठन है वो नेशनल लेवल का है, जो अपनी प्रोफेशनल बॉडी है CA CS ICW है, लेकिन ये एक लोकल लेवल की बात जो है कहीं भी आगे नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि हर शहर की अपनी एक समस्याएँ होती हैं, अपनी जो है रिक्वायरमेंट होती हैं। वित्तीय आर्थिक जगत में काम करने वाले अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन सबको साथ मिलाकर एक ऐसी संस्था बनाने का उद्देश्य है जिससे ना केवल प्रोफेशनल दायित्वों का हम लोग निर्वाह अच्छी तरीके से कर सकें, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों के लिए भी हम लोग जो है एक साथ मिलकर चर्चा कर सकें और उस पर अपना विचार बनाकर सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें। हमारा जो, जैसा मैंने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि सबसे पहले सारे प्रोफेशनल्स को अपडेट रखना, और उनको अपडेट रखने के साथ साथ उनके जो बहुत सारी चीज़ें जो हम लीगल बॉडीज़ के साथ नहीं कर पाते, वो हम इस तरीके से उसको करें कि ना केवल प्रोफेशनल अपने ऑफिस में अपने किसी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय को लेकर चिंता करें, बल्कि उसकी पारिवारिक, उसकी सामाजिक और इसके अलावा भी जो सब लोग मिलकर इस बात पर गहन चिंतन करें कि देश जो कि इस समय आर्थिक रूप से, अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनना है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपनी एक भागीदारी देनी होगी। तो माँ सेवा समिति ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष BS तोमर ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करने वाले लोगों का सम्मान किया। माँ सेवा समिति ने अपने 8वें स्थापना दिवस पर सदर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष BS तोमर ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करने वाले लोगों का सम्मान किया। हमारी माँ सेवा समिति का आज 8वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। हमारी माँ सेवा समिति का मेन उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को जागृत करना कि जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें, सम्मान करें, पुरानी संस्कृति जो बच्चे आज भूलते चले जा रहे हैं उसके लिए हमारी संस्था कार्य करती है। हमारे BS तोमर जी ने ये जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि एक तो आदमी चला जाता है और आदमी चले जाने के बाद में उसने उस आदमी की सेवा की। सपोज मान ली वो किसी बीमारी से था तो उसने काफ़ी खर्चा किया और वो आदमी उसमें टूट गया, फिर भी उसके बाद में समाज जो है उसके ऊपर एक त्रयोदशी का जो दबाव डालता है वो हमारे समाज के लिए, मैं तो कहूँगा, एक कलंक है। और इसके लिए पहल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जातियों में पंचायत हो गई है और वो उसका अक्षर से पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम को समाज के लोगों ने खासा पसंद किया। इस कार्यक्रम में BS तोमर ने लोगों को अपने माता पिता की सेवा का संकल्प दिलाया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। नेशन फर्स्ट ग्रुप द्वारा मित्र महामिलन एवं आम खास पार्टी का एक अनूठा कार्यक्रम जयपुर हाउस में किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई प्रबुद्ध जनों ने भी भाग लिया। नेशन फर्स्ट ग्रुप ने सोमवार को जयपुर हाउस मित्र महामिलन समारोह एवं आम पार्टी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व ADG हरभजन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को हरभजन सिंह ने खासा सराहा, साथ ही इस तरह के कार्यक्रम को समाज के लिए बेहद ही जरूरी बताया। आज का ये फंक्शन देख के, मीटिंग, गेट टुगेदर, जो आपसी, जैसे अभी एक लेक्चरर ने कहा था कि हम एक अलग अलग विचारों के हैं लेकिन फिर भी इकट्ठे हैं, ऐसा माहौल बड़ा कम देखने को मिलता है कि
अलग अलग विचारों के लोग भी एक मंच पे इकट्ठे होके प्यार की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें और आपसी प्रेम की बातें करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस मित्र महामिलन कार्यक्रम में आपसी सौहार्द और देशवासियों को किस तरह एकजुट रखा जाए जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद शहर के प्रमुख शू उद्यमी नजीर अहमद ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ग्रुप पदाधिकारियों की सराहना की। जो हिंदुस्तान का जो असली चेहरा है, जहाँ पे मोहब्बत भरी है, जहाँ पे भाईचारा भरा है, जहाँ पे नोक झोंक के साथ साथ एक दूसरे के साथ है ना हंसी मजाक हो रही है, यही हिंदुस्तान जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे, आप पैसे से ही उसके दौलत को ना देखे, ये जो हम लोग की मोहब्बत की दौलत है ना, ये आज यहाँ पे निकल के आई है। और इसी मोहब्बत की दौलत को अगर हम हिंदुस्तान के अंदर कायम रखें तो वो जो वीडियो एक आदमी की वजह से जो हिंदुस्तान बदनाम हुआ है, वो 100 भी अगर कर लेंगे तो हिंदुस्तान की तरफ है ना कोई बदनामी की नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान क्या है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी क्या है। ये पवन जी ने और सोनू जी ने ग्रुप बनाया है नेशन फर्स्ट, और उसमें सभी लोग सम्मानित हैं। बहुत अच्छा एक ग्रुप है और लोगों की सोच बहुत अच्छी है। यहाँ ना कोई बीजेपी का है, ना कोई कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना बहुजन का है, यहाँ हम सब एक हैं और अपनी अपनी विचारधारा स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। पवन जी ने यहाँ आम पार्टी रखी थी, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। इस कार्यक्रम में महानगर के मौजूद लोगों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की विशेष मौजूदगी रही। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा। श्रवण मास के दूसरे सोमवार को साकेत कॉलोनी स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को साकेत कॉलोनी स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर से जुड़े भक्तजनों ने कई पौधे रोपित किए। आज यहाँ पर हम लोग पेड़ को लगवा रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्य हुआ है और काफी तादाद पेड़ लगाए हैं, पौधे भी लगाए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसे कार्य करती रहे ताकि सभ्य को आगे चल के ऑक्सीजन मिलती रहे और किसी प्रकार की कमी ना हो, गर्मी का वेंटिलेटर कम हो। भैरोगी मलका चौतरा में बटुक भैरवनाथ मंदिर है, उसके प्रांगण में आज यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ काफ़ी भाइयों ने सहयोग किया है, जितने कमेटी से भी लोग आए हैं और 70 वृक्ष करीब लगाए गए हैं यहाँ पर, बड़े पेड़ और छोटे पौधे मिला के। तो इसके माध्यम से बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जितनी हरियाली हो सके, हमारे जितने बस में हो उतनी हरियाली हम कर सकें चाहूँ आगरा के अंदर में, और यही हमारी सबसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक मात्रा पेड़ लगाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक फायदेमंद। कार्यक्रम में मौजूद समाज सेवी शिव कुमार राजौरा ने कहा कि आज पर्यावरण रक्षा के लिए वृक्षारोपण करना हमारे लिए काफी जरूरी है। आज वृक्षारोपण किया है और ये सबसे सुनहरा काम आज मंदिर पर यहाँ पर हुआ है, जो वृक्ष लगाकर, क्योंकि लोगों को ये दिखाया गया है कि सेवा कहीं नहीं, सेवा इसी, ये सेवा होती है, इसे सेवा कहते हैं। अपने जो भी कार्य किए हैं इतने, उससे महत्वपूर्ण कार्य आज ये किया गया है। आज हमें सौभाग्य मिला कि भैरवनाथ मंदिर के यहाँ जहाँ हमारे पेड़ वृक्षारोपण किया जा रहा था, उसमें हमें भी शामिल किया गया और हमें बहुत अच्छा लगा। जीतनगर बाजार कमेटी की तरफ से आके हमारे राजेश यादव जी, हमारे अध्यक्ष जी भी थे हमारे साथ, और पूरी टीम ने यहाँ पे आके बहुत ही सौभाग्य स्वर्ण काल में सबने एक दूसरे का सहयोग दिया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा गैनिंग सोसाइटी द्वारा महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई अलग अलग शहरों से आए स्त्री रोग विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। यहाँ पर आज हम लोग यहाँ ISCCP और आगरा मेनोपॉज़ सोसाइटी द्वारा आयोजित कॉल्पोस्कोपी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में कम से कम 6,000 औरतों का की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर की वजह से हर साल होती है, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हम कई रोकथाम कर सकते हैं। अगर हम बचपन में बच्चियों का इम्यूनाइजेशन अगर के सर्वाइकल कैंसर के इसके वैक्सीन से कर दें तो हम इसका बचाव कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ना केवल उसका इलाज है बल्कि बचाव भी है, उसका प्रिवेंशन भी है। तो आज ये जो वर्कशॉप हुई है ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में हुई है। सर्वाइकल कैंसर जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, 16 और 18 उससे होता है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है। जो 9 साल की लड़कियां जब होती हैं उससे 14 साल तक जनरली दे दिया जाना चाहिए।
अभी जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो दो डोज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की देनी चाहिए 6 महीने के अंतराल पे। आज लेक्चर में ये है कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी सर्वाइकल बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को, इसकी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये सेकेंड मोस्ट कैंसर है जो महिलाओं की डेथ का कारण है। आज हम लोग बहुत बाहर से, लखनऊ से और जयपुर से, दिल्ली से डॉक्टर्स आए हुए हैं जो इसके बारे में ये बताना चाहते हैं, ये एक ऐसा कैंसर है जिसे रोका जा सकता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसे हम रोक नहीं सकते, वो तो हो के ही रहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा कैंसर है जिसे समय से पहले पता लग जाए तो हम इसे रोक सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे समय से पहले पता लगा लें। इंडिया में मतलब वर्ल्ड का नियरली 27% इंडिया इसको बेयर करता है। इसका कारण कुछ तो जल्दी शादी जो हो जाती है, या फिर महीने के समय जो गंदा कपड़ा यूज़ किया जाता है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या अबॉर्शन वगैरह ये लोग ऐसी अनसेफ जगह करा लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड वाले औजार हों, उनसे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार जल्दी जल्दी बच्चे होने की वजह से, जल्दी जल्दी अबॉर्शन होने की वजह से इसका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और ये ऐसा कैंसर है जिसे आराम से रोका जा सकता है। और आइए कुछ खास खबरें देखते हैं फटाफट में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नकल माफियाओं पर मेहरबानी बरकरार है। कई कॉलेजों में नकल पकड़े जाने के बाद भी विश्वविद्यालय ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए नवीन जैन का कहना था, शहरवासियों द्वारा किए गए स्वागत सत्कार से महापौर नवीन जैन अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि शहरवासियों ने चुनकर उन्हें महापौर बनाया, जनता के प्यार और दुलार की बदौलत आज वे अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष पद तक पहुँचे हैं। अखिल भारतीय महापौर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने की खुशी में शहरवासियों ने महापौर नवीन जैन का जोरदार स्वागत किया। शहरवासियों ने कहा कि महापौर नवीन जैन का अखिल भारतीय महापौर परिषद का अध्यक्ष चुना जाना आगरा के लिए गौरव की बात है। जॉइंट कमिश्नर रुद्र प्रताप सिंह ने CGST कमिश्नर आशीष सांखला के बारे में तमाम कसीदे गढ़े, उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की। वरिष्ठ IAS अधिकारी RC सांखला को विदाई देने के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने वाले अधिकारियों ने उनकी कार्यशैली की जमकर प्रशंसा की। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, अधिकारियों ने उनके सम्मान में गीत भी गाए। नवागत CGST कमिश्नर ललन कुमार को भी अधिकारियों ने बुके देकर उनका खैर मकदम किया। आपको बता दें कि वरिष्ठ IAS अधिकारी ललन कुमार लखनऊ से स्थानांतरित हो आगरा के CGST कमिश्नर पद पर तैनात किए गए हैं। सावन के दूसरे सोमवार को रावली महादेव मंदिर पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान मंदिर परिसर में भव्य सजावट के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। बदलते मौसम में जहां एक ओर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं लोगों को रुक रुक कर होने वाली बारिश परेशान कर रही है। NH2 पर सुल्तानगंज की पुलिया के पास स्थित नाला काफी लंबे समय से बदहाली के आंसू रो रहा है, जिसकी तमाम शिकायतों के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इन दिनों कमलानगर में राष्ट्र संत मुनिश्री 108 बिहर सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास चल रहा है। मंगल चातुर्मास में 7 अगस्त को कमलानगर के शालीमार एन्क्लेव में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक उत्सव मनाया जाएगा। मानस नगर कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर कई दिनों से जल संस्थान कर्मचारियों ने पेयजल पाइपलाइन को सही करने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है। इस गड्ढे में गिरकर कभी कोई घायल हो सकता है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विभाग के द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है। इस छात्रावास में प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों से आए जिमनास्ट खिलाड़ी रह रहे हैं। ये खिलाड़ी जिमनास्टिक हॉल में सुबह शाम जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को साकेत कॉलोनी स्थित प्राचीन बटुक भैरवनाथ मंदिर के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंदिर से जुड़े भक्तजनों ने कई पौधे रोपित किए, साथ ही इन पौधों को संरक्षित करने का संकल्प भी उन्होंने लिया। माँ सेवा समिति ने सदर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष BS तोमर ने मृत्यु भोज का बहिष्कार करने वाले लोगों का सम्मान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।